हजरत अली करमला वजह की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? आप करमुल्ला वजह के बड़े साहबजादे हजरत हसन रजील्ला ताला अन्हु। एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, अगरचे मैं उम्र में छोटा हूं, मुझे आशोब चश्म का आर्जा भी है और टांगें भी पतली हैं, ताहम आपका दस्तो बाजू बनूंगा। ये तारीखी अल्फाज किस शख्सियत के हैं? ये हजरत अली करमुल्ला वजह ने फरमाया था। जवाब दुरुस्त है साहब। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देना चाही थी कि वही नाजिल हो गई और उनकी कुर्बानी राह हक में कबूल हो गई। उस जगह का नाम बताइए जहां ये वाकया पेश आया। ये मिना के मुकाम पे। मिना के मकाम पर। जवाब दुरुस्त है। मदीना मुनव्वरा और बदर, ये जहां जंग बदर हुई थी जो मशहूर जंग है, इस्लाम की पहली जंग जो है, मदीना मुनव्वरा और बदर का दरमियानी फासला कितना है? सर 80 मील। पक्की बात? बताइए किस सूरत में बालिग मर्द और बालिग औरत पर नमाज फर्ज नहीं है? वो इंसान जो लुनेटिक, इनसेन या अनसाउंड माइंड से कहा जाता है, पागलपन की हालत में हो, मजनू दीवाना हो, उस पे। अगर किसी का दिमागी तवाजुन दुरुस्त ना हो, ख्वाब औरत हो या मर्द हो, उस पर नमाज फर्ज नहीं है। इसका यह भी मतलब लिया जा सकता है कि जो कुछ आप पढ़ते हैं नमाज में, आपको उसके मतलब का पता होना चाहिए कि मैं ये पढ़ रहा हूं। पागल को क्या पता कि वो क्या पढ़ रहा है, कोई इधर की बात पढ़ रहा है, उधर की बात पढ़ रहा है। तो इससे ये साबित हुआ कि नमाजी को पता होना चाहिए कि मैं जो आयत मुबारका की तिलावत कर रहा हूं, इसका मतलब ये है। जवाब दुरुस्त है जी। खाना काबा की तामीर के दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या दुआ मांगते रहे? ये दुआ ये थी जी कि रब्बना तकब्बुल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे नश्वो नुमा देने वाले, हमारा ये अमल कबूल फरमा, तू सुनने वाला और जानने वाला है। ये पारा दोइम अल बकरा और 127 नंबर आयत है जी। गलती हो गई जी। उस तालाब का नाम बताइए जिसमें 6 बरस की उम्र में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैराकी और शनावरी की खूब मशक की। यसरब के मुकाम पे बनु अदी का तालाब था, जहां बनु अदी का तालाब। जवाब दुरुस्त है जी। इराक का वो इलाका जहां से दरियाए दजला और फरात मिलकर बहते हैं, क्या कहलाता है? ये करबला थी। शत्तुल अरब, ये जहां ये दोनों दरिया मिलकर बहते हैं और ये कोई 120 मील लंबाई है, शत्तुल अरब उसको कहा जाता है जी। दूसरी गलती आपने की है जी। हजरत इमाम हुसैन के अलावा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और भी किसी ने यजीद की बैत करने से इनकार किया था? जी, नवासे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने भी बैत लेने से इनकार कर दिया था। जवाब दुरुस्त है आपका। बताइए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कितने बरस बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया था, वो जिसमें उन्हें कहा गया कि कश्ती बनाओ? ये
तकरीबन 2242 साल थे। ये जवाब तो आपका दुरुस्त हुआ, लेकिन मुझे अफसोस है कि दो गलतियां आपने की हैं। ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों ने जो मोटरसाइकिल भेज रखा है वो, सर मुझे कोई अफसोस नहीं है इस वजह से कि मुझे इतनी खुशी है कि मैं फाइनल तक पहुंची थी। और ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों का ये मोटरसाइकिल, और आप फाइनल में पहुंची थी, आप दो सवालों से आगे नहीं जा सकी। ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों की तरफ से इसमें 5000 रुपया है और फूल हैं, आपको मुबारक हो। हजीफा अनवर साहब ब्राइटो पेंट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जरा तशरीफ लाएं और अपने हाथ से जिया साहब को, आइए जिया साहब यहाँ। हजीफा साहब के लिए फूल, आपका बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आपके सामने फाइनल भी खेला गया और ये अजीब फाइनल है कि हारने वाला कह रहा है कि मैं खुश हूँ,